हमारे कार्यकर्ता हमारे सहयोगी दलों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। सहयोगी दल का प्रत्याशी है, पर ये एक उपचुनाव है और इस उपचुनाव में स्वाभाविक रूप से जिस लक्ष्य के साथ इस राज्य को देखा गया, इस महती भूमिका में संगठन का दायित्व तो पूरा करते हुए राज्य निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई, आज उसे धूल धूसरित होते हुए देख रहा है। इसलिए हमारा दायित्व तो बन जाता है कि ऐसी चीजों को संभालने के लिए राज्य के जनता के साथ मिलकर के आगे का रास्ता तय करें। तो ये चुनाव उसी कड़ी में सहयोगी दल के साथ हो रहा है और हमें आशा है कि इस चुनाव में इस क्षेत्र की जनता आने वाले दिनों में भविष्य का झारखंड को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान देंगे, संदेश देंगे और इस समय जो राज्य की विकृत दशा दिख रही है, वो विकृत दशा को राज्य की जनता स्वयं अपने हाथों में लेकर के स्वनिर्माण के साथ आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी उसका नेतृत्व करेगी, पर फैसला और सहभागिता जनता की, और मुझे पूरा आशा है कि इन दिनों में जो झारखंड की परिस्थितियां लगातार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इतने दयनीय स्थिति में पहुंच गई है और पहुंच रही है, इसको रोकना जरूरी है। सामाजिक दृष्टि से यहाँ पर जिस तरह का एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हमेशा बना रहा, उसको तोड़ने की कोशिश, सामान्य जनों को न्याय नहीं मिल रहा, पूरी तरीके से सरकार के कामकाज ने भ्रष्टाचार को अपना अनुशासन बनाया, तो इस तरह की स्थिति राज्य को नुकसान पहुंचाने और राज्य की इमेज को खराब करने का काम किया। तो इसलिए मैं मानता हूं कि मैं भी इस चुनाव के दौरान बाई इलेक्शन में आज मैं कुछ क्षेत्रों में जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा और पूरा विश्वास है कि न केवल उपचुनाव बल्कि आने वाले चुनाव में भी निश्चित रूप से राज्य के दशा और दिशा को नेतृत्व करने के लिए राज्य की जनता स्वयं आगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।